अगर आप सभी स्टूडेंट्स को अपने हैंड्स की स्ट्रेंथ डेवलप करनी है तो ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। जैसे आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और चार स्टेप के थ्रू आप ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। अब देखिएगा आप सभी स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको मूवमेंट करना है। इसे मैंने मिट्टी पर रखी है और उसके बाद फर्स्ट स्टेज वन घुटने फोल्ड, इसको चेस्ट पर रखना है, अपर चेस्ट पर, और उसके बाद ऊपर उठाना है घुटनों को सीधा करते हुए, हाथों को सीधा करते हुए। टू, और इसको थर्ड स्टेप के अंदर दोबारा शोल्डर पे लेके आए, चेस्ट पे लेके आएंगे और घुटने फोल्ड करेंगे और फोर्थ में नीचे रख देंगे। तो ये एक्सरसाइज आप सभी स्टूडेंट बिल्कुल बेस्ट है। ये स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, देखो इस तरह से पैर दूर जाते हुए, इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से करोगे तो आप सभी स्टूडेंट्स के बैक पेन हो सकता है। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजियोलॉजी पर आने के लिए धन्यवाद। और आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स को रस्से के लिए कैसे हैंड्स की स्ट्रेंथ डेवलप करनी है वो सिखाऊंगा, और जो आपका फाइल लिफ्ट है उसके लिए कैसे स्ट्रेंथ डेवलप करनी है वो सिखाऊंगा। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, जो फर्स्ट कट रहा था उसमें 5 kg वेट था, सेकंड में 10 kg, थर्ड में 15, फोर्थ में 20 kg, ये 20 kg का कट्टा है और इसके बाद 25 kg का। इस तरह आपको ये कट्टों में मिट्टी भर के और इनको रख लेना है और उसके बाद स्टेप बाई स्टेप इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये कट में 35 kg तक वेट भर रखा है इनके अंदर, लेकिन स्टार्टिंग में आप कम ही उठा पाओगे। जैसे मैं लास्ट 25 वाला उठा पाया हूँ, शायद इससे ऊपर नहीं उठा पाऊंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ का ध्यान रखना है और एक लाइन में इस तरह से रख के जिस तरह से ये स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उस तरह से आप सभी स्टूडेंट्स को भी प्रैक्टिस करनी है। और ये कन्फर्म मैं कह सकता हूँ कि इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो दो इवेंट जो आपके सबसे मेन इवेंट है, एक फाइल लिफ्ट जो कि 20 नंबर का है, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है आपको डमी दी जाए या आपको बॉडी मिले कि जिस किसी दूसरे स्टूडेंट को उठाने का मौका मिले, आपको वहाँ पर कट्टे के अंदर या बोरी के अंदर मिट्टी भर के वो भी दे सकते हैं। और एक साथ 60 kg वेट उठाना इतना आसान नहीं होता है, तो आप अगर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे स्टेप बाई स्टेप, जिस 5 kg, 10 kg, 15, 20, 25, 35, 45, तो आप कन्फर्म वेट आराम से उठा लेंगे। और इस तरह से प्रैक्टिस करने के बाद में अगर आप इस तरह से 35 kg तक वेट उठा लेते हैं, तो मैं कन्फर्म कह सकता हूँ कि 50 kg वेट आप बॉडी के सपोर्ट से आराम से उठा लेंगे। जिस तरह से सभी स्टूडेंट्स गर्ल्स कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी आ रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हैबिट हो जाएगी ना, तो आप देना यही स्टूडेंट आपको आराम से 35-40 kg वेट तो ऐसे उठाते हुए दिखेंगे। जैसे कि आपने वेट लिफ्टिंग में जो एथलीट वगैरह होते हैं उनको देखा भी होगा कि वो आराम से अपना वेट लिफ्टिंग के अंदर वेट काफ़ी 200-200 kg तक वेट उठा लेते हैं, तो ये तो बहुत कम वेट है ना, तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस करने की। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकता है, और स्क्रीन पर जो मेरे मोबाइल नंबर दे रखे हैं उन पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा, कुछ स्टूडेंट गलतियाँ भी कर रहे हैं उनसे आपको सीखने को मिलेगा, और कुछ स्टूडेंट बहुत परफेक्ट कर रहे हैं उससे भी आपको सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ इसमें है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके थाई पे प्रेशर आएगा, आपके शोल्डर्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके अलावा आपके बैक में पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं झुकना है। जैसे कुछ स्टूडेंट झुक रहे हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप बैक में ज़्यादा झुकोगे तो आपके बैक पेन हो सकता है। तो पूरा सपोर्ट सिर्फ पैरों पर और शोल्डर पर आएगा, इसके अलावा कहीं भी आपको बिल्कुल भी पेन महसूस नहीं होगा। इसका ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल प्रैक्टिस करें। जैसे स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप आप सभी स्टूडेंट्स आगे बढ़ना है। और इसमें आपकी अगर रियल बताऊं तो सांस भी भरेगी इसमें, अगर प्रॉपर आप करेंगे तो। और ये स्टूडेंट रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और तो यही जो आपके जो भी इवेंट है, मतलब ये अगर एक तरह से कहा जाए फायरमैन फिजिकल में जो भी आपके इवेंट है, उन सभी इवेंट्स में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। हैंड्स की स्ट्रेंथ के लिए, शोल्डर की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, और आप इसको करोगे तब आपको रियलिटी सी फील होगी भाई कितनी अच्छी एक्सरसाइज है, वैसे आप नहीं समझ पाओगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स का फाइनली मेरे चैनल पर आने धन्यवाद, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अदर स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और लास्ट तक वीडियो सुनिएगा। इसमें एक मोटिवेशन स्पीच डाल रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि इस दौर में, इस वक्त में भी आप जहाँ पर आपको घबराहट हो रही है, आप फिजिलिटेट कभी भी आ सकती है, उस वक्त में भी आप खुद को मोटिवेट रख सकते हैं और खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकें। उसके लिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा और ये मोटिवेशन स्पीच जरूर सुनिएगा। आपका पूरा फ्यूचर उस एक डिसीजन पर डिपेंड करने वाला है कि उसमें आप क्या चॉइस लोगे। गलत चॉइस ले ली, फंस गए। सही चॉइस ले ली, जिंदगी बदल गई। एक तरफ है जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, और दूसरी तरफ है जो दुनिया
आपसे करवाना चाहती हूँ, आपसे करवाना चाहती हूँ। इस इंसान में ये करेज नहीं है कि मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन खुद ले सकूं। वो जिंदगी में क्या करेगा, वो जिंदगी में क्या करेगा। मान लो एक्सट्रीम केस में मारा भी, आपको हंटरों से मारा, जूतों से मारा, चप्पलों से मारा। एक तरफ है 5 मिनट की मार, एक तरफ है जिंदगी भर मरवाते रहोगे। समझो। आपके घर वाले आपके पीछे पड़े हैं, बेटा कोटा जाओ, कोटा जाओ तैयारी के लिए, आईआईटी में एडमिशन लेना ही लेना है तुम्हें। और आप कह रहे हो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है। अच्छा ठीक है, जा, जो करना है कर। आप करने लग गए, पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरे साल में फेल हो गया। इस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए, क्या चाहिए? फेल होने के बाद भी मेरे अंदर ये करेज है कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा, हार नहीं मान रहा। तो अगर इतनी बुरी सिचुएशन से जब मैं ऊपर उठूंगा तो मैं क्या करूंगा? हर एक के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, कुछ ना कुछ है, बस उसको ढूंढना है। जब आपके अंदर एक डिजायर आएगा कि मुझे जानना है भाई कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे में यूनिक क्या है जो पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएगी। आपकी सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं है। पैशन आपका अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, जो भी आप बनना चाहते हो सब आपके अंदर है। आपकी विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। आपने सोच लिया मुझे करना है, इतनी प्रॉब्लम आएंगी, आने दो मुझे करना है, सब कुछ खो सकता है, होने दो मुझे करना है, दर्द होगा होने दो मुझे करना है। आपको पता होगा कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है तो आप जीत लो, तो आप जीत लो। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। एक तरफ है जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, और दूसरी तरफ है जो ये दुनिया आपसे करवाना चाहती है। अपने आप को बोलना है मेरे अंदर इनफाइनाइट पावर, अगर मैं कुछ ठान लूं तो मैं वो कर सकता हूं। फेल होने के बाद भी मेरे अंदर ये करेज है कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मैं हार नहीं मान रहा। तो अगर इतनी बुरी सिचुएशन से जब मैं ऊपर उठूंगा तो मैं क्या होगा? पैरों में गैप प्रॉपर नहीं होगा, प्रॉपर्टी नहीं होगा, नहीं होगा। पैरों में गैप लेना है। 1, 2, 3, 4 नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 डाउन। अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, 2, 3 उसमें कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ भी, के जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चांसेस हो सकता।
जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपने हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या हजार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1,00,000 लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके गारंटीड सक्सेस। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है, तो आप जीत लोगे। अरे जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो। सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर। मेरा मिशन क्या है कि इंडिया के अंदर और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर मान लिया 1,000 वजह है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे, अरे 1 वजह तो ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो। जब डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है, और हम चाहते हैं तो हमारी किस्मत पूरी होती है। और जब हम उन चीजों की तरह देखते हैं जो हमारे पास में है, उस मोमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है। जो कर्म आपको अंदर से स्ट्रांग करता है वो अच्छा कर्म है, जो अंदर से आपको वीक करता है, कमजोर करता है, वो सब बुरे कर्म, वो सब बुरे कर्म। अभी अगर आप लोग अपने खुद के कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे, तो किसी और को दिए हुए कमिटमेंट आप कैसे पूरे करोगे, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है, जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया वो तो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा। तो मैं करना चाहता हूं, चाहे उसको करने में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उस दर्द को सहने के लिए अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। जिसका डिजायर जितना बड़ा है, उसकी सक्सेस इतनी बड़ी है, चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते, तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है, मुझे कुछ करना 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 है, मरते तब तक करना है, करते रहना है। जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है, अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई? बढ़ो आगे, मेरा टाइम गया, आपका टाइम शुरू, आपका टाइम शुरू।